हेलो फ्रेंड्स, जनरल क्लासेस में मैं अरविंद एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 10 पढ़ लिया था, आरबीएससी बोर्ड का विद्युत धारा कंप्लीट कर लिया था हमने। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि वो टॉपिक क्लास 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासों के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, ठीक है ना। क्योंकि परमाणु एक ऐसा टॉपिक है, परमाणु संरचना, कि परमाणु से ही हम जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि एटम एक बहुत छोटी यूनिट है, जिस हिसाब से हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखते हैं कि शरीर का सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है कोशिका। कौन सी होती है? कोशिका होती है, और जो सेल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल, ठीक है ना। और कोशिका से मिलके बना होता है उत्तक, जिसको आप टिश्यू बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? टिश्यू बोलते हो, ठीक है ना। और उत्तक से मिलके बना होता है अंग, जिसको आप ऑर्गन बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? ऑर्गन बोलते हो। और ऑर्गन से मिलके बने होते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, ठीक है ना। और अंग तंत्र से मिलके बना होता है शरीर, बॉडी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होती है। तो शरीर की या बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई, कोशिका, ठीक है ना। उसी प्रकार केमिकल प्रोसेस में जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी मतलब कि मैटर होते हैं, मैटर मतलब पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं, सारे पदार्थों की सबसे सूक्ष्म यूनिट क्या होती है? एटम होती है, परमाणु होती है। क्या होती है? परमाणु होती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं परमाणु के बारे में। तो परमाणु टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूं, परमाणु संरचना की। तो परमाणु संरचना में आप देखिए, मान लीजिए ये कोई परमाणु है आपका, ये क्या है? परमाणु है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका? ये परमाणु हो गया। अब इस परमाणु के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इस परमाणु वैसे ही बहुत सूक्ष्म है, बस परमाणु के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, क्योंकि इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके चारों वर्धाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये हम इसकी बात करने वाले हैं कि परमाणु एक्चुअली अंदर क्या होता है और बाहर क्या प्रोसेस इसकी होती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। संरचना की इसकी बात करें तो परमाणु की मैं बात करूं, परमाणु का जो आकार होता है वो 10^-10 मीटर परास का होता है। कितना होता है? 10^-10 मीटर परास का। ये परमाणु का क्या हो जाता है? आकार हो जाता है, ठीक है ना। तो 10^-10 मीटर परास का परमाणु का आकार होता है। तो मैं एक बात कर रहा था आपको कि हमने कोई पदार्थ लिया, क्या लिया? पदार्थ। तो पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, उसके बारे में चर्चा आपसे करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये पदार्थ है, तो पदार्थ काफी सारी चीजों से मिलकर बना होगा। तो वो प्रोसेस क्या होगी, मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे सबसे छोटा तो आप परमाणु बता रहे हो, तो परमाणु को लिख लो। तो परमाणु को हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं इसको? एटम बोलते हैं, ठीक है ना। परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु। अणु को आप क्या बोलते हो? मॉलिक्यूल्स बोलते हो। क्या बोलते हो? मॉलिक्यूल्स बोलते हो। ये मॉलिक्यूल्स हो गए। उसके बाद में यौगिक, यौगिक को आप कंपाउंड बोलते हो। यौगिक मिक्सचर बन जाता है, फिर बाद में कंपाउंड बोलते हो। कंपाउंड हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? पदार्थ हो गया, जिसको आप मैटर बोलते हो। क्या बोलते हो पदार्थ को? मैटर। क्या बोलते हो? मैटर। पदार्थ को क्या बोलते हो? मैटर बोलते हो, ठीक है ना। तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्म क्या क्या हो गई? परमाणु। तो परमाणु ही सबसे सूक्ष्म हुआ किसी पदार्थ में। देखो मैं आपको बता देता हूं, हमारी जनरल क्लासेस में 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासों की साइंस स्टार्ट हो चुकी है। चारों क्लासों की टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। अभी मैंने लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट करवाया वो आरबीएससी 10th का विद्युत धारा फिजिक्स का जो चैप्टर था वो काफी अच्छे से क्लियर करवाया है। आपको अगर वो देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है ना। आपको मैं इस वाले वीडियो में भी उन वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास चारों क्लासों का ये बेसिक चैप्टर है परमाणु संरचना। इसको मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत बेस से स्टार्ट कर रहा हूं, और इसको मैं बहुत हाई लेवल पे लेके जाने वाला हूं कि आपका नीट, आईआईटी, जेई सारा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि परमाणु एक पदार्थ है, सॉरी
पदार्थ है, पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या हो गई है? परमाणु। क्या हो गई है? परमाणु। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक है? परमाणु है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने बताया परमाणु एक गोलाकार संरचना हो गई, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे कोशिका के अंदर केंद्रक होता है ना, यह आपकी कोशिका हो गई, इसके अंदर क्या हो जाएगा? केंद्रक, ठीक है ना। वैसे ही एक परमाणु है, इस परमाणु के अंदर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। इसमें क्या होते हैं? प्रोटोन और न्यूट्रॉन। इनका आकार क्या होता है? 10^-10 मीटर इसका आकार होता है, ठीक है ना। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट लिया करो, साथ में पोज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या मैं खुद बोल दिया करूंगा, या आप साथ में पोज करके वीडियो को नोट्स बनाओ, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया कि परमाणु में एक्चुअली में क्या है। लेकिन अब परमाणु के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मत दिया, ठीक है ना, अपना स्टेटमेंट दिया। बट सबसे पहले परमाणु के बारे में जो मतलब कि जो 16वीं सदी के आसपास जो बातें थी महर्षि कणाद के बारे में, कि महर्षि जो कणाद थे, महर्षि कणाद ने कहा था, महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बहुत पहले बता दिया था कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के इतने टुकड़े करे जाए, पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु ले ली हमने, तो उस वस्तु के इतने टुकड़े किए जाए कि जो आखिरी टुकड़ा बचे, कि जो आखिरी टुकड़ा बचे उस आखिरी टुकड़े का कोई और टुकड़ा नहीं हो सके, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपके सामने पदार्थ है, ठीक है ना, इस पदार्थ के मैं इतने टुकड़े करूं कि जो आखिरी टुकड़ा बचे वो ये हो, और इसका कोई और टुकड़ा नहीं हो सके, तो ये क्या हो गया? ये परमाणु हो गया। क्या हो गया? परमाणु हो गया। क्योंकि परमाणु सबसे सूक्ष्म होता है पदार्थ का। तो महर्षि कणाद ने कहा था कि किसी पदार्थ के इतने टुकड़े किए जाए कि आखिरी टुकड़ा जो हो उसका कोई और टुकड़ा नहीं हो सके, और टुकड़ा नहीं हो सके, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? महर्षि कणाद ने। अब जो आखिरी टुकड़ा बचा है उसका कोई और टुकड़ा नहीं हो सक रहा, अर्थात वो क्या है? अविभाज्य है। अर्थात वो क्या है? अविभाज्य है। क्योंकि ये अविभाज्य कण है तभी तो इसके और टुकड़े नहीं हो रहे, इनवर्जिबल है, इनवर्जिबल पार्टिकल है तभी तो इसका क्या हो रहा है? और डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये इनवर्जिबल है, अविभाज्य कण है। तो ये महर्षि कणाद ने बताया था। बट उस टाइम पे इतना कोई वो नहीं था, साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक तरीके से कोई कंफर्म नहीं हो पाया कि ये चीज है। तो उसके बाद फिर जो जॉन डाल्टन आए, जॉन डाल्टन एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साइंटिफिक मत माना गया उनका, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया साइंटिफिक, ठीक है ना। तो वो स्टेटमेंट क्या था वो हम देखने वाले हैं। तो ये महर्षि कणाद ने इसके बारे में बताया। तो आगे मैं बात करने वाला हूं, और वो है जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया, परमाणु सिद्धांत उन्होंने दिया था सबसे पहले। सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, और जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु वह सूक्ष्म कण है, जिसको परमाणु की परिभाषा भी हम मान सकते हैं उसको, कि परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिसका हम और विभाजन नहीं कर सकते। परमाणु वह सूक्ष्म कण है, साथ के साथ लिख सकते हो आप, परमाणु वह सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है, परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिसका या जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। अब जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते तो वो क्या होगा? अविभाज्य होगा, अर्थात वह अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है, और इन्हीं कणों को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट या ये डेफिनेशन किसकी थी? जॉन डाल्टन की थी, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया और सर्वप्रथम साइंटिफिक स्टेटमेंट दिया अकॉर्डिंग टू एटम के लिए, ठीक है ना। तो जॉन डाल्टन की अगर हम बात करें तो उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, उसमें क्या डेफिनेशन दी कि परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात वह अविभाज्य कण है, इनवर्जिबल पार्टिकल्स है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? द कॉल्ड इज एटम। क्या कहा जाता है उन्हें? एटम कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हो गई, इसको आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका।
और भी इसने काफी सारी बातें बताई, इसने क्या बातें बताई मैं बताता हूं आपको। इसने एक तो बताई सूक्ष्म कण है, दूसरी बताई अविभाज्य कण है कि इनका इनवर्जिबल है और विभाजित नहीं हो सकता। तीसरी बात इसने बताई कोई भी तत्व है, प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और बहुत सारे तत्व में समान परमाणु होते हैं। कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में, जैसे सोडियम ले लिया तो सोडियम में क्या होंगे समान परमाणु होंगे, क्लोरीन में क्या होंगे समान परमाणु होंगे, दुनिया में कोई भी एटम है उसमें क्या होंगे समान परमाणु, असमान परमाणु होंगे। तो जो समान परमाणु है उन समान, अगर उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान है तो उनके परमाणु भी समान होंगे, या परमाणु समान है तो भौतिक रासायनिक गुण भी समान होंगे, और अगर तत्वों के परमाणु अलग अलग है तो भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। ये तत्व भी अलग अलग है, तत्व भी अलग अलग है तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे। अगर तत्व समान है तो उसके परमाणु समान होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये बात थी परमाणु की, किसकी बात थी परमाणु की, जॉन डॉल्टन का स्टेटमेंट था। किसका स्टेटमेंट था, जॉन डॉल्टन का। मैं आपको बता देता हूं कि परमाणु संरचना में हम काफी सारे साइंटिस्ट को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दिया, हमने सबसे पहले जॉन डॉल्टन पढ़ लिया, महर्षि कणाद के बारे में पढ़ लिया। अब जब हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी परिकल्पनाएं दी साइंटिस्टों ने, जैसे पहली जे.जे. थॉमसन ने दी। किसने दी, जे.जे. थॉमसन ने, इसने परमाणु परिकल्पना दी, परमाणु मॉडल दिया। दूसरा परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं। किसका पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल जिसे नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि नाभिकी को जहां से होती स्वर्ण पत्र जो प्रयोग हुआ था वो रदरफोर्ड का ही था। तीसरा जो है आप, तो तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है निल्स बोर का। किसका पढ़ेंगे, निल्स बोर की परिकल्पना पढ़ेंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगेगा। निल्स बोर की परिकल्पना पढ़ेंगे हम, निल्स बोर की परिकल्पना है। और जो चौथा पॉइंट है हम, तो निल्स बोर तक हम इसका बात करेंगे, निल्स बोर तक हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। देखो जे.जे. थॉमसन तक हमें इतना पता लगेगा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, उस गोले के अंदर बहुत सारे ऋणावेशित कण हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बट हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति कंफर्म नहीं हो पाएगी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक्चुअली में होते कहां पर हैं, ठीक है ना, कहां पर होते हैं ये हमें पता नहीं चलेगा। रदरफोर्ड आएगा, रदरफोर्ड से हमें न्यूक्लियस की खोज होगी, क्योंकि वो स्वर्ण पत्र प्रयोग से हमें बताएगा कि परमाणु के अंदर एक नाभिक है जो धनावेशित भाग है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन, इसलिए वो धनावेशित भाग हो गया। अब उस धनावेशित भाग में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, इसे नाभिक कहते हैं, और उसके चारों ओर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नील्स बोर बताएगा। तो ये पूरा, ये तीन चार साइंटिस्ट मिलके एक एक्चुअली डेफिनेशन दे पाएंगे जिसको हम फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं इन सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि जे.जे. थॉमसन क्या होता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, निल्स बोर की परिकल्पनाएं क्या होती हैं। ये मैं आपको बहुत डीपली पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं और काफी लेवल तक ले जाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, यहां से ज्यादा ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जेन्युइन क्लासेस इज बेस्ट क्लासेस एवर, ठीक है। देखो फटाफट से आप लोग, ये परमाणु मैंने बताया, तो इसमें तीन, इसमें जो आवेशित कण होंगे होंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं तो जीरो, इसका इसमें कोई चार्ज नहीं, उदासीन नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। ये क्या है, इसके मूलभूत कण बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण होते हैं, मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज में बता देता हूं, जे.जे. थॉमसन ने करी थी। किसने करी थी, जे.जे. थॉमसन ने इसकी खोज करी थी विसर्जन नलिका द्वारा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, विसर्जन नलिका जे.जे. थॉमसन। उसके बाद में न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक ने करी, किसने करी, जेम्स चैडविक ने करी न्यूट्रॉन की खोज। और जो प्रोटॉन खोज करी थी वो करी थी गोल्डस्टीन ने, किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है ना। तो ये तीनों खोजें भी हम पढ़ेंगे, कैसे करी, किस एक्सपेरिमेंट से करी। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन खोज करी जे.जे. थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन खोज करी जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना। और इन तीनों कणों को परमाणु के मूलभूत कण कहा जाता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का बहुत सूक्ष्म कण होता है, ये हमने जाना। अविभाज्य कण होता है, बहुत सूक्ष्म कण होता है, तीन इसमें मूलभूत कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मैंने आपको महर्षि कणाद के बारे में बताया कि महर्षि कणाद ने क्या स्टेटमेंट दिया, जॉन डॉल्टन ने क्या स्टेटमेंट दिया। तो ये आपको मैंने बेसिक बात बता दी। फिर मैंने बताया आपको कि वो परमाणु होता है ऐसे गोलाकार होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसका आकार 10^-10 मीटर परास होगा। तो ये सारी बेसिक नॉलेज है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, जे.जे. थॉमसन, निल्स बोर और रदरफोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप हमारे वीडियो पसंद कर रहे हो,
आपको यहाँ पर जो पढ़ाई जाने वाली सब्जेक्ट पसंद आ रही है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियोज़ को सबको लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है, ठीक है।